देखिए इस वक्त हमारे साथ संजय दुबे जी हैं, हम बता रहे हैं लगातार आपको, हम चौक थाने में इस वक्त मौजूद हैं और सर्वे के बाद जो तमाम तीन अलग अलग कोर्ट कमिश्नर्स के साथ जो टीमें अंदर गई थी उन टीमों के सदस्य यहां पर हैं। इस वक्त एक खास मेहमान है हमारे साथ संजय दुबे, शासकीय अधिवक्ता हैं। शासकीय अधिवक्ता का मतलब ये होता है जो सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वो वहाँ पर मौजूद थे और चार घंटे की सर्वे में संजय जी अंदर मौजूद थे। संजय जी क्या बताना चाहेंगे, 8 बजे आप पहुंचे, 12 बजे निकले, चार घंटे में क्या कुछ कार्रवाई जारी है, नीचे हुआ है, अब कल भी होगा, उस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ अगर विस्तार से आप बताना चाहें पहुंचने के बाद? अभी ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग तो केवल साथ में ही थे और बाकी जो उन्होंने कमिश्नर ने करवाया है उसके जो है, लेकिन कल ही सब मालूम चल पाएगा पूरा, जो साथ में हम लोग थे सहयोग में। सारे जो चीजें जुटाई गई है उसको कहाँ रखा गया है? कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जो है उसको सील पैक कर दिया गया है, सील पैक कर दिया गया, वो इस वक्त लेके यहाँ पर आया गया था थाने में, कमिश्नरेट में वही भी रखा होगा या सील बंद आ गया होगा कमिश्नरेट की। आप ये बताएंगे कि सरकारी अधिवक्ता ये जानकारी देते हुए कि सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है वो तैयार है और पहले दिन के सर्वे के बाद बड़ा दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, जिसमें कहा गया है कि कल्पना से भी अधिक चीजें अंदर दिखाई दी हैं। ये बहुत ही अहम हो जाता है। आज 40% सर्वे का काम पूरा हुआ है, कल भी ये सर्वे होगा। कुछ ताले तोड़े गए हैं, कुछ खोले गए हैं, जो तहखाने इतने सालों से बंद थे उन्हें खोला गया, कमरों को अंदर खंगाला गया है और चार घंटे तक वहां पर ये कैमरे ऑन रहे, वीडियोग्राफी होती रही। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, कहां कहां आज ये सर्वे हुआ है, तहखाने खोले गए, कमरे खोले गए, क्या मिला है, क्या जानकारी अभी आपको मिली? देखिए मुस्लिम पक्ष के एक वकील हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं, एक बार हमसे उनसे बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मुमताज अहमद। सर आप कौन से उसके वकील हैं? अंजुमन। अंजुमन जी, नंबर 4 के लिए। सर क्या रहा अभी तक का जो पूरे 4 घंटे की, क्या टोटल कार्रवाई की? पूरी वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, कमिश्नर के देखरेख में हुई, हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको काम में, कहीं राज्य से काम हुआ। इस तरह का कोई साक्ष्य जो मंदिर होने की बात को सत्यापित करता हो? देखिए हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो उसमें है वो वीडियोग्राफी में कैद है। वीडियोग्राफी में जो शो होगा हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन जो वीडियोग्राफी की बात आप कर रहे हैं उसमें सत्यापित हुआ या नहीं हुआ, आपके हिसाब से ये सत्यापित होता है या नहीं होता है कि मंदिर? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ सबूत नहीं निकला। तो देखिए ये इस वक्त आप देख रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष की जो वकील हैं वो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से उनके हिसाब से ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था तो मंदिर होने की बात को सत्यापित करता है, लेकिन वो कहते हैं इस बात की बात इस का पूरा कपड़ा हम आपको एक बार और दिखाएंगे वहाँ पर, और यहाँ पे वो हो रहा है, विशाल प्रताप सिंह यहाँ पर हो रहे हैं लगातार, यहाँ पर जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है। तहखाने में कुछ था भी या नहीं? प्रतीक्षा कीजिए। हाँ प्रतीक्षा कीजिए। आपके हिसाब से जो आपने सोचा था देखा था वही मिला? मुस्लिम पक्ष का कहना है, मुस्लिम पक्ष का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, तहखाने ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहाँ पे मंदिर होने की बात कहता है। मैं इतना ही कहूँगा, अभी कल भी कमीशन की कार्रवाई होनी है, वो भी होने दीजिए, रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने दीजिए, उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे आप लोग खुद देखेंगे। जो मुस्लिम पक्ष का दावा था कितना परसेंट काम है, जो पूरा परसेंट काम हो गया लगभग, अरे ड्राइवर साहब एक मिनट लगभग 40-50% के आसपास। और ये जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है लगातार कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मंदिर होने की बात को सत्यापित कर रहा है, तो टेंशन किस बात की? समय की प्रतीक्षा कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। अनुकूल मिली है? देखिए अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, ड्राइवर साहब कुछ नहीं बता सकता। तो सभी ये जानना चाहते हैं कि तहखाने में आखिरकार क्या है, तहखाने में क्या दिखाई दिया, दीवारों पर क्या दिखाई दिया, जिन साक्ष्यों की बात की जा रही है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। आज 40% सर्वे का काम हो चुका है, कल भी ये सर्वे होगा, 4 घंटे ये सर्वे चला, वीडियोग्राफी की गई है, जो पश्चिमी दीवार है इस मस्जिद की वहां पर ये सर्वेक्षण हुआ है, उन दीवारों पर किस तरह के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, निशान मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं, वो सब जुटा लिए गए हैं। लेकिन अदालत की ओर से कहा गया है कि जानकारी को गोपनीय रखा जाए और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो दोनों ही पक्ष हैं वो कुछ भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि लिखित रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और वो सौंप दी जाएगी 17 मई तक अदालत में। हमारे साथ शिवांगी भी हैं। शिवांगी आपके पास क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स हैं, तहखाने कितने हैं, कमरे कितने हैं और कितने कमरों को आज खंगाला गया है?
देखिए आपको बता दें कि चार तहखाने थे जहां पर सर्वे पूरा हो चुका है। बाकी तहखानों की अगर हम बात करें तो चाबियां दे दी गई है, साफ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो बैरिकेडिंग पुलिस ने यहां पर की थी, यूपी पुलिस ने आम लोगों को यहां से जाने की मनाही थी, जब तक सर्वे चला है 8 बजे से 12 बजे तक ये पूरी बैरिकेडिंग अब खोल दी गई है। अब आम लोग यहां पर अंदर, श्रद्धालु जो है भीतर दाखिल हो सकते हैं। 1 किलोमीटर का ये पूरा पैच था, कई राउंड यहां पर हमने देखा बैरिकेडिंग की गई थी और लोगों से अपील किया गया था। खासकर दुकानों को देखिए आप, अभी भी बंद रखा गया है, 1 बजे तक बंद रखने की अपील की गई थी। लेकिन अब ये बैरिकेडिंग खोल दी गई है, लोग अंदर जा सकते हैं। मीडिया को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम भी भीतर दाखिल होंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि मुख्य द्वार पर अभी भी क्या जो आम लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, जहां से मस्जिद और मंदिर दोनों ही दिखाई पड़ता है और ज्ञानवापी का जो रास्ता है जहाँ से नमाज के लिए रोज़ाना लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर क्या परिस्थिति बनी हुई है। लगातार तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये दूसरे दौर का, हम कहें दूसरे राउंड का जो बैरिकेडिंग है इसको भी खोल दिया गया है, यानी कि अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं और मुख्य द्वार पर आप देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त आपको नज़र आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु कह रहे थे कि हमें मुख्य द्वार से जाना है, हम दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उन्हें दूसरे रास्ते से भेजा गया था दर्शन करने के लिए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर हम पहुंच चुके हैं, बैरिकेडिंग यहां से हटा दी गई है, तमाम श्रद्धालु अब यहां से भीतर दर्शन कर पाएंगे। तस्वीरों में आप देखिए साफ तौर पर जो पहली बैरिकेडिंग थी उसको भी यहाँ खोल दिया गया है, लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से ही भीतर जाने की कोशिश मीमांसा की जाएगी। तो ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल का, यहीं से मस्जिद में भी एंट्री होती है, नमाज के लिए भी लोग यहीं से जाते हैं और ये पूरा इलाका न्यायालय ने दिया ही है। क्या चीज़ें निकल कर करके आई है अब ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने बड़े सुचारू, बड़े शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से आज के जो भी कार्रवाई हुई बड़े उत्तम व्यवस्था थी और उत्तम ढंग से हुआ है। कितना परसेंटेज काज हुआ होगा? अब मान के चलिए भाई, कहना परसेंटेज तो मुश्किल है, लेकिन मान के चलिए 30-40% हुआ। दावा हिंदू पक्ष कर रहा था उसकी उम्मीदों के आसपास, हम लोगों ने दावा ही बड़े मजबूती से प्रमाणित ढंग से रखा था, कोई हवा में हम लोगों ने दावा नहीं रखा था। इसलिए जो सारे पक्ष आएंगे, चाहे वो साक्ष्य हो, सब कुछ अपने सकारात्मक ही रहेगा और चल रहा है इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पूरे मेहनत करके प्रमाणित ढंग से अपने साक्ष्य, अपने दावे को न्यायालय में पेश किया था। कितने तहखाने में अंदर में अभी मिले हैं? अब ये बड़ा मुश्किल है बताना, अब ये सब बातें हम लोगों का नहीं, ये न्यायालय का मामला है, इसलिए अब कमिश्नर साहब समझेंगे, उन लोगों का मामला है। 9 4 5 1 एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रोजाना यहाँ से ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वो दिखाई देता है और ये जो पैच है देखिए इसको आज ढक दिया गया है। कल तक ये पूरा इलाका खुला हुआ था, यहाँ से हम खुद लाइव बुलेटिन कर रहे थे, अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा पा रहे थे, लेकिन अब इसको पैक कर दिया गया है क्योंकि यहाँ सर्वे चल रहा था 8 बजे से 12 बजे के समय और कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी बाहर ना आए। यहाँ तक कि सर्वे की टीम जो अंदर पहुँची है वो उनकी भी झलक जो है वो बाहर नहीं आए कि कैसे सर्वे किया जा रहा है, उसके लिए बाहर के इलाके को भी यहाँ पर पूरी तरह से पैक कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस इलाके तक आम जनता को आने की अनुमति नहीं थी, मीडिया को भी आने की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद आप देखिए कि सुरक्षा और सावधानी कितनी बरती जा रही है कि जिस इलाके में आम लोग भी नहीं पहुंच सकते वहां पर भी इस तरह से इसको पूरा पैक कर दिया गया ताकि कोई भी जानकारी बाहर लीक ना हो। और अब दुकानें धीरे धीरे यहाँ पर खुलने लगी है, आम लोगों से अपील किया गया था, दुकानदारों से अपील किया गया था कि 1 बजे तक आप लोग जो है नहीं करें। ज़रा जूम करके ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि ये तस्वीरें आपको दिखाएं। ज्ञानव्यापी मस्जिद, पूरा जो विवाद चल रहा है, जो दो पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहा है, आज यहीं पर सर्वे हुआ है और यहाँ पर 4 घंटे सर्वे होने के बाद 4 तहखाने सर्वे पूरा, फोटोग्राफी पूरी, वीडियोग्राफी पूरी, 40% तक सर्वे पूरा कर लिया गया और अब कल दोबारा यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। जिस जगह से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कल इस जगह को एक बार फिर से बंद किया जाएगा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, लेकिन इस वक्त जी मीडिया एक्सक्लूसिव ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर सर्वे आज किया गया। लगातार हमने देखा सुबह से ही सर्वे की टीम यहां पहुंची, तमाम पुलिस और प्रशासन के लोग यहां पर पहुंचे। अभी सर्वे बचा हुआ है, रुक जाइए, रुक जाइए, पीछे हो जाइए, मैडम पीछे होइए, अभी यार पीछे हो जाइए, प्रत्युष मेरा एक अंदर ऐसा कुछ। आज सर्वे से आप लोग कोर्ट गई थी वो
सही निकली है जो अंदर से जो वीडियोग्राफी, ये तो दो दिन बाद पता चलेगा, दो दिन बाद। उम्मीद कितनी पूरी? उम्मीद पूरी है हम लोग को। आप थी अंदर? हाँ, हम लोग अंदर थे, उम्मीद पूरी है। सर्वे मतलब दो दिन किसी तरह की कोई छेड़खानी वगैरह तो हुई? ये तो दो दिन बाद पता चलेगा ना। अभी खंडित कुछ दिखा आपने? हम लोग कुछ नहीं देखे। मैं भी मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि तहखाने में कुछ नहीं मिला, उनको कहने दीजिए, दो दिन बाद आपके सामने आ जाएगी। हाँ। सारी सच्चाई आपके सामने। आपको जो दिख रहा है, जिस चीज को आप आकृति कह रहे हैं, देखने का नजरिया, वो देखने का नजरिया, वो तो वही बोल लेना, गोपनीय है। दो दिन बाद मतलब आपको पूरा रिपोर्ट कोर्ट में होगा। आपको अच्छा, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, अंदर वैसे ही दिख रहा है? कोई चीज ऐसा नहीं है जो कैमरा पर नहीं दिख रहा हो? झाड़ना कुछ ना भी पड़ा क्या? नहीं नहीं, वो दो दिन बाद अभी हम लोग गोपनीय है भैया। नहीं, पहले ही कहा गया सर्वे करने गए तो आपको कहा गया हाथ मत लगाइए, झाड़िए मत, पूछिए मत। इस बार कुछ नहीं हुआ है, सब सही है, सब करने सब सही है, सब सही है। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। आपका नाम? रेखा पाठक। रेखा पाठक जी को आपको कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सर्वे को लेकर संतुष्टि जताई जा रही है, और हिंदू पक्ष की ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि सही दिशा में यह सर्वे चल रहा है, कल्पना से ज्यादा साक्ष्य दिखे हैं, बहुत कुछ दिखा, बता नहीं सकते, क्योंकि अदालत की ओर से हिंदू पक्ष कह रहा है कि उम्मीद से ज्यादा मिला है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट को और जो कुछ भी आज सर्वे अंदर हुआ उसको गोपनीय रखा जाना था, इसके बावजूद हिंदू पक्ष जब बाहर आया तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि उम्मीद से ज्यादा मिला है। ये कैसे और इशारा करता है? जो दलील दी जा रही है, जो पिटिशनर्स कह रहे हैं, क्या वो बात सही निकल कर आएगी रिपोर्ट में? लेकिन फिर से एक बार हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे कल तक आम जनता के लिए खोला गया था, यहाँ से मीडिया कर्मी भी उस तस्वीर को देख पा रहे थे, लेकिन आज पूरी तरह से पर्दा कर दिया गया है। पर्दा किस लिए किया गया है? क्योंकि आज यहाँ पर सर्वे हुआ, सर्वे में क्या कुछ निकल कर आएगा ये 17 मई को जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब पता चलेगा, लेकिन आज 40-50% तक ये सर्वे पूरा हो चुका है। फोटोग्राफी पूरी हुई, वीडियोग्राफी पूरी हुई, एक एक जानकारी, एक एक छोटी से छोटी जानकारी जो है वो पूरी तरह से ली गई, और अब बताया जा रहा है कि कल भी ये सर्वे इसी तरह से जारी रहेगा। सुबह 8 बजे से सर्वे फिर एक बार शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि कल वापस से जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हम लोग यहाँ पर आएंगे तो 8 बजे से 12 बजे का जो समय है उन्हें मुख्य द्वार से यहाँ पर दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।